हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रीसेंट एपिसोड में गोकुलधाम सोसाइटी से चेठालाल, चंपकलाल एंड बागा रंग तरंग रिसोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन पोपटलाल ने सिर्फ जेठालाल को आने के लिए कहा था, लेकिन जेठालाल अपने साथ चंपकलाल एंड बागा को भी ले आए, जिससे कि पोपटलाल बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। वेल, आने वाली स्टोरी में पत्रकार पोपटलाल इन सभी लोगों को मिशन काला कौआ पर भेजने वाला है, जिससे कि हाथी भाई कंप्लीट नहीं कर पाए। एंड गाइस, हो सकता है कि यहाँ पर जेठालाल भी इस मिशन में कामयाब ना हो पाए, लेकिन तारक मेहता शो के अंदर छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़े बड़े मिशन को कंप्लीट कर देती हैं, और ऐसा ही लगता है इस बार भी होने वाला है। गाइस, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो कालाबाजारी करने वाला गैंग का मेंबर है, वो भी इसी रिसोर्ट में रुका हुआ है, और वो हाथी भाई से डील करने के लिए इसी रिसोर्ट में आया था। तो इस रिसोर्ट के अंदर गलती से उसका चेहरा सबके सामने आ जाएगा, और उसके फेस को सामने लाने वाला कोई और नहीं बल्कि बागा होगा। जैसा कि हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि बागा को रंग तरंग रिसोर्ट की सारी पिक्चर्स बाबरी जी के पास सेंड करनी है, और रिसोर्ट के अंदर आते ही उसने जेठालाल इन चंपकलाल के साथ पिक्चर्स ली हैं। तो वो इस काफ़ी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जब बागा अपनी पिक्चर ले रहा हो, तो गलती से वो कालाबाजारी करने वाला गैंग का मेंबर गलती से बागा की किसी पिक्चर में कैप्चर हो जाए, जिसके बाद के जेठालाल और पोपटलाल के लिए उसे पकड़ना और भी आसान हो जाए।